दिस इज़ अंकर्श फ्रॉम ट्रिपल यस एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दी अनादर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री तो येस हिस्ट्री का लेक्चर हिस्ट्री का जो सिलेबस है एज सच जेके पी एस आई का दैट आई हैव कम्प्लीटेड विद बट येस समॉपिक्स व लेफ्ट एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो मुझे लगा कि इन टॉपिक्स को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपके साथ Uh, ये तीन चार टॉपिक्स हैं जैसे कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आज हम स्टडी करेंगे ठीक है देन लेटर आई एल टेल यू कि कुछ इंपॉर्टेंट uh, uh, जो जैसे कांग्रेस आईएनसी के जो सेशंस रहे इंपॉर्टेंट सेशंस जो कि एग्जाम में आते हैं लेटर ऑन आई एल बी डिस्कसिंग दैट तो दिस विल बी आप कह सकते हो कि जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए एक uh, uh, मतलब उनके लिए उनके रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशंस रहने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये डिस्कस कर लेते हैं ऑल जो मेजर पोर्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफकोर्स इज बीइंग कम्प्लीटेड बट सम ऑफ द टॉपिक्स वर लेफ्ट जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कुछ टॉपिक्स हमारे रहते थे तो वो हम एक एक करके डिस्कस uh, कर लेंगे ये थ्री फोर टॉपिक्स में थ्री फोर uh, मतलब लेक्चर्स में ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है तो टुडे विल बी डिस्कसिंग रेवल्यूशनरी मूवमेंट दिस इज द पार्ट वन ऑफ रेवल्यूशनरी मूवमेंट ठीक है तो वेरी सुन आई एल बी कमिंग विद पार्ट टू ऑफ द रेवल्यूशनरी मूवमेंट्स तो बस ये दो पार्ट्स में जो आपका रेवल्यूशनरी मूवमेंट है ये खत्म हो जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके okay. uh, तो देखिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में सबसे पहले जो uh, ये मूवमेंट uh, जो uh, है दट इज दैट इज अबाउट चापेकर ब्रदर्स ऑफ 1897 केस है ये ठीक है तो क्या था इस केस में चापेकर ब्रदर्स के केस में क्या था देखिए ये मूवमेंट जो है ना ये चापेकर ब्रदर्स ये बेसिकली uh, तीन ब्रदर्स थे ठीक है जिनका नाम uh, जिनको चापेकर ब्रदर्स कहा जाता है और ये जो चापेकर uh, ब्रदर्स का जो केस है ये दिस हैपन्ड इन महाराष्ट्र ठीक है अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 18 एटीन हंड्रेड में इनफैक्ट एटीन में मैं बोलूंगी कि काफी एंटी ब्रिटिश नेशनलिस्ट मूवमेंट्स यहां पे चल रहे थे और मेन लीडर थे बाल गंगाधर तिलक ठीक है बाल गंगाधर तिलक के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ठीके? तो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं ये एंटी ब्रिटिश पॉलिसीज काफी चलाते थे ठीक है थ्रू गणेश फेस्टिवल्स थ्रू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो हैं एंटी ब्रिटिश पैम्फलेट्स uh, बांटे जाते थे आप कह सकते हो एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स या एंटी ब्रिटिश डिस्कशंस जो हैं यहाँ पे ब्रिटिश uh, गवर्नमेंट के खिलाफ की उनकी पॉलिसीज के खिलाफ डिस्कशंस काफ़ी की जाती थी फेस्टिवल्स में भी की जाती थी ठीक है तो बाल गंगाधर तिलक जो है काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ एंटी ब्रिटिश पॉलिसीज के ठीक है अब क्या है अब यहाँ पे मैं बाल गंगाधर तिलक जी की बात क्यों कर रही हूँ दिस यूल नो लेटर ठीक है अभी मैं बताती हूँ कि क्यों उनके बारे में मैं बता रही हूँ ठीक है अब हुआ क्या देखिए कि कि ये ये जो जो चापेकर ब्रदर्स थे प्रोमिनेंट जैसे कि ये दामोदर हरि चापेकर थे बालकृष्ण हरि चापेकर थे वासुदेव हरि चापेकर तो दीज वी थ्री चापेकर ब्रदर्स ठीक है जिनकी इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे ये इन्होंने क्या किया कि एक डब्ल्यूसी रैंड थे ठीक है डब्ल्यूसी रैंड वॉल्टर चार्ल्स रैंड की इन्होंने असेसिनेशन की ठीक है ना हुआ दिस डब्ल्यूसी रैंड देखिए हुआ क्या कि 1897 में ना 1897 में प्लेग डिजीज जो है इनफैक्ट प्लेग एपिडेमिक ये पैंडेमिक बोलूंगी मैं तो प्लेग पैंडेमिक फैल गया था काफी ज्यादा पुणे में स्पेशली महाराष्ट्र में जो है प्लेग काफी ज्यादा फैल गया तो इस प्लेग के जो कमिश्नर बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लेग कमिश्नर बनाया गया हिज नेम वॉज वॉल्टर चार्ल्स रैंड ठीक है डब्ल्यू सी रैंड अब ये रैंड क्या करता था इस पॉलिसी इस में अब रैंड ने क्या कहा कि भाई जिन जिनको प्लेग है उन लोगों को घरों से पकड़ के निकालो और उनको जैसे मतलब आप कह सकते हो कि क्वारंटीन सेंटर्स हैं जैसे आज की डेट में हमें पता है कि कोविड में क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हुए हैं तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसे कोविड आप कह सकते हो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे जिन जिनको प्लेग हो रहा था उनको पकड़ के उन लोगों को एक जगह पर रखा जाता था और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था या क्या किया जाता था ठीक है वहाँ पर अब ये जो ब्रिटिश जो पर्सनल थे ये क्या करते थे ये लोगों के घरों में घुसते थे ठीक है और चीज़ों को आगे पीछे फेंकते थे ये ज़बरदस्ती सबके घरों में घुस रहे थे ठीक है तो वहाँ पे काफ़ी रफली ये हैंडल करते थे इनफैक्ट जो वहाँ की जो औरतें थीं जो विमेन थी उनके साथ भी काफ़ी रफली ना मतलब हैंडलिंग करते थे ओके okay, तो लोगों ने क्या किया लोग बहुत परेशान थे इन इस पॉलिसी के ब्रिटिशर्स के कि जबरदस्ती घरों में घुस आते हैं सामान फेंकते हैं ठीक है कोई रिस्पेक्टफुली तो बात करते नहीं थे वो लोगों से जाके इंडियन लोगों के साथ जाके ठीक है तो काफ़ी बुरा सलूक करते थे वो इंडियन लोगों के साथ तो इन इस चीज़ को लेकर कंप्लेन की लोगों ने डब्ल्यू रैंड को जो कमिश्नर था प्लेग का कि भाई ऐसे ऐसे हरकतें हो रही हैं लेकिन डब्ल्यू रैंड ने ऑब्वियसली उसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी इंडियंस की बातों पर इंपॉर्टेंस नहीं जताई तो इस चीज पे फिर क्या किया था जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने काफ़ी जो भी आपको पता है ये बाल गंगाधर तिलक की पेपर्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे इनकी इनका एक वीकली पेपर था मतलब इनका एक न्यूज़ पेपर था केसरी ठीक है एक पेपर था मराठा ठीक है तो केसरी और मराठा के लिए बाल गंगाधर तिलक काफी जाने जाते हैं तो इन दोनों पेपर्स में इनफैक्ट केसरी में भी और मराठा में भी ये जो डब्ल्यू रैंड की की जो पॉलिसीज थी प्ले कमिश्नर की जो पॉलिसीज थी वो उन, उन सबको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने ठीक है तो ये जो इनकी राइटिंग्स थी बाल गंगाधर तिलक की इससे मतलब ये कहा गया था कि काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे चापेकर ब्रदर्स जब चापेकर ब्रदर्स ने आ, ये सब पॉलिसीज मतलब जो ऑलरेडी देवर इंटू द रेवोल्यूशनर प्रोसेस ये रेवोलूशनरीज थे ऑलरेडी और जब इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की भी राइटिंग्स जो पढ़ी ठीक है डब्ल्यू सी रैंक के खिलाफ इस प्लेग कमिश्नर के खिलाफ जब पॉलिसीज पढ़ी तो उन्होंने दे डिसाइडेड द दसेसिनेशन ऑफ डब्ल्यू सी रैंड ठीक है तो इसको जो है मतलब असिनेट करने की कोशिश की गई ठीक है और फिर ये जो रैंड का इस मतलब तो इस असेसिनेशन में हुआ क्या था कि जो एक एक एस्कॉट लेफ्टिनेंट था हिज नेम वाज आइस्ट ठीक है तो आइस्ट जो है ये एस्कॉट लेफ्टिनेंट था रैंड का ये भी मारा गया था इसमें और रैंड को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई थी जिसकी वजह से मतलब ये जो है

तो दिस इज अबाउट चापेकर ब्रदर केस ऑफ 1897 ठीक है तो 1899 में जो है इनको असैसिनेट कर दिया जाता है चापेकर ब्रदर्स को ओके नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति वॉज फॉर्मड इन 1902 हंड्रेड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखिए अनुशीलन समिति क्या थी अनुशीलन समिति बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी थी एंटी ब्रिटिश पॉलिसीज़ uh, uh, मतलब आप कह सकते हो एक एक रेवोल्यूशनरी uh, समिति थी अनुशीलन समिति ने काफ़ी आप कह सकते हो कि इट वाज क्वाइट रेवोल्यूशनरी एक स्टेप आगे की तरफ आप uh, कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ बॉम्ब जैसे बनाए गए अनुशीलन समिति के जो रेवोल्यूशनरी मेंबर्स थे उनके द्वारा ये सब ठीक है मैं बताऊँगी अभी आपको तो एक सीक्रेट सोसाइटी थी और बेसिकली uh, हुआ क्या ये जो अनुशीलन समिति है ना ये बनाई थी प्रमार्थ मित्रा ने इनको पी मित्रा भी कहा जाता है ठीक है एक बैरिस्टर थे कैलकटा से अनुशीलन समिति कहां बनी ठीक है वेस्ट बंगाल में बनी आज की डेट की अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल में कैलकटा में बनी थी ट्वेंटी फोर मार्च नाइनटीन हंड्रेड टू को टू में बनी थी ठीक है तो प्रमार्थ मित्रा जो थे ये काफी इंस्पायर्ड थे बाय द राइटिंग्स ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी की एक राइटिंग थी जिसका नाम था अनुशीलन तत्व इस अनुशीलन तत्व राइटिंग में ये क्या करते थे बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की थी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन मतलब कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल मॉरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की थी तो इस अनुशीलन तत्व uh, से ही इंस्पायर्ड होकर परमार्थ मित्रा जी ने नाम दिया अनुशीलन समिति का ठीक है अब इस अनुशीलन समिति के साथ एक तो फाउंडर परमार्थ परमार्थनाथ मित्रा हैं ये आपने याद रखना है प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बरिंद्र कुमार घोष ठीक है उसके बाद जो मेन जो लीड थी अनुशीलन समिति की आप कह सकते हो वैसे अनुशीलन समिति के साथ बहुत से रेवोल्यूशनरीज जुड़े हुए हैं बहुत से रेवोल्यूशनरीज ठीक है काफी काम किया अनुशीलन समिति ने ठीक है तो इनमें से जो आ, मतलब काफी एक प्रोमिनेंट है जिनका नाम है वरेंद्र कुमार घोष ठीक है ये यंगर ब्रदर थे अरविंदो घोष के ठीक है अरविंदो घोष जी के छोटे भाई थे वरेंद्र कुमार घोष ठीक है इनको बैरिन घोष भी कहते हैं आगे मैं बताऊँगी बरिन घोष भी आप देखेंगे तो इन्हीं का ही नाम है बरे, बरे, ये वरिंद्र कुमार घोष का ठीक है नी मतलब बहुत से रेवोल्यूशनरीज़ बहुत से नेशनलिस्ट जो है अनुशीलन समिति के साथ जुड़े हुए थे जैसे कि रास बिहारी गोश भी जुड़े हुए थे राज बिहारी घोष का मैंने बताया था ना आपको जब हमने इंडियन नाशल, इंडियन नाशल मैंने आपको बताई थी आई एन एंडियनशनल आर्मी सॉरी इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो बनी थी इंडियन नेशनल आर्मी जो है फोर्टी वन फोर्टी टू के टाइम पीरियड में इंडियर आर्मी बनी थी हमने डिस्कस कर चुकी हूं ठीक है तो आई एन फॉर्मेशन भी किसने की थी रास बिहारी घोष जी ने की थी जो कि अनुशीलन समिति के ही मेंबर थे उससे पहले ठीक है आगे वे भी अभी अभी बताऊंगी मैं आपको तो चलिए यह, यह देखते हैं कि है, भूप्रनाथ मतलब है? है, तो पहले, पहले, तो दत्ता जो हैं वो जुड़े हुए थे इसके साथ, ठीक है? आ, देश बंधु चित्रांगन दास जी ठीक है सुरेंद्रनाथ टैगोर पुलिन बिहारी दास सरला देवी रास बिहारी बोस ठीक है जतेंद्रनाथ मुखर्जी जिनको बागा जतिन भी कहा जाता है ओके okay? ये सचिन सान्याल ठीक है ये सारे जो है बिपिन्र ये बिपिन चंद्रपाल जतिन दास ये सारे जो हैं ये एसोसिएटेड थे अनुशीलन समिति के साथ ओके okay? और इनफैक्ट खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ठीक है ये सारे जो हैं ये प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं अनुशीलन समिति के ओके okay? अब अनुशीलन समिति में था क्या बेसिकली ये एक टाइप का अखाड़ा था ठीक है अखाड़ा जहां पे क्या है रेसलर्स होते हैं या बॉडी बिल्डर्स जो है वो रेसलिंग करते हैं तो बेसिकली एक फिटनेस क्लब था क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनुशीलन तत्व जो राइटिंग्स थी बंकिम चंद्र चैटर्जी की इसमें मतलब इससे इन्फ्लुएंस होके होकर पर, ये परमार्थ नाथ मित्रा जी ने ये अनुशीलन समिति बनाई थी जिसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती थी यानी फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए तो इसमें बेसिकली जो बंगाली यूथ हैं ठीक है जो बंगाली यूथ है उनको डेवलप करना उनको आप कह सकते हो फिजिकल स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड करना इस समिति का मोटिव था जैसे उनको लाठी वगैरह चलाना सिखाया जाता था स्वॉर्ड से लड़ना सिखाया जाता था तलवारबाजी वगैरह सिखाई जाती थी बॉडी बिल्डिंग जो है वो करते थे यहाँ के जो मेंबर्स हैं ठीक है तो ये सब यहाँ पे जो अनुशीलन समिति में होता था ठीक है जैसे अखाड़ा होता है आज के टाइम पे इस तरीके से याद रखिए ठीक है ठीके? अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये भी याद रखनी है ये जो अनुशीलन समिति है इसकी दो प्रोमिनेंट ब्रांचेस थी एक थी ईस्ट ढाका में ईस्ट की तरफ थी यानी कि East की तरफ थी जो कहा, आप कह सकते ईस्ट ढाका में अनुशीलन समिति की जो अनुशीलन समिति में, में, में और क्या फॉर्म हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1906 में? जी हाँ मुस्लिम लीग बनी थी ठीक है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जब हुई थी सिक्स में वो भी कहां हुई थी ढाका में ही हुई थी वो भी ठीक है तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं और ये जो ढाका है यहां पे ईस्ट ढाका अनुशीलन समिति भी जो है वो भी ढाका में ही बनी थी जो ईस्ट की साइड की अनुशीलन समिति थी तो बेसिकली दो अनुशीलन समिति बनी ऑल दो इनकी बहुत सारी ब्रांचेस थी अनुशीलन समिति की नंबर ऑफ ब्रांचेज देयर ठीक है पर जो आ, दो प्रोमिनेंट जो ब्रांचेस थी जो हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हो एक थी ईस्ट की तरफ ढाका में ओके और वेस्ट की तरफ तो थी ही आ, या बंगाल में ओके ओके अब बंगाल में जो ये जो पर्टिकुलर जो बंगाल की अनुशीलन समिति थी ना वहां से एक ग्रुप निकला जिसका नाम था जुगांतर ग्रुप ठीक है जुगांतर इसको युगांतर भी कहते हैं युगांतर बेसिकली एक एक पब्लिकेशन थी न्यूज़पेपर थी युगांतर ठीक है अभी अभी बताऊंगी मैं उस आपको उसके बारे में तो जो युगांतर जो न्यूज़ न्यूज़पेपर था ठीक है उनके उनके साथ जो रिवॉल्यूशनरीज एसोसिएटेड थे उनको हम युगांतर ग्रुप या जुगांतर ग्रुप इस तरीके से भी कहते हैं ठीक है ओके नाउ दिस इज अबाउट युगांतर और जुगांतर इन 1906 पर्टिकुलरली ठीक है 1906 में ये जो ये युगांतर पत्रिका या युगान्तर पत्रिका मतलब न्यूज पेपर है ये तो युगांतर पत्रिका जो है ये या आप याद रख सकते हैं 1906 में ये 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 न्यूज़ पेपर जो है ये स्टार्ट हो गया था कलकत्ता में और किसने स्टार्ट किया था ये ब्र बरिंद्र कुमार घोष ने जिनको बैरिन घोष भी कहते हैं जब मैंने आपको बताया बरेंद्र कुमार घोष अरविंदो घोष के जो छोटे भाई थे एंड ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग वन ऑफ द लीड वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ अनुशीलन समिति ठीक है तो बेसिकली अनुशीलन समिति युगांतर जुगान्तर ये सारे एसोसिए ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं याद रखिएगा युगान्तर जो है बेसिकली ये अनुशीलन समिति का ही एक ग्रुप है या अनुशीलन समिति ही है आप कह सकते हो युगान्तर न्यूजपेपर भी है युगान्तर ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज भी हैं ठीक है थीके? तो बरेंद्र कुमार घोष हैं इनको बैरन घोष भी कहते थे ठीक है अविनाश भट्टाचार्य हैं भूपेंद्र नाथ हैं ये ये सारे इस युगांतर पत्रिका के साथ एसोसिएटेड हैं ठीक है थीके? कुछ और सीनियर मेंबर्स भी थे इस ग्रुप के जो पॉलिटिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग्स करते थे अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब हुआ क्या इस युगांतर क्योंकि इनके जो आइडियाज थे वो थोड़े रेवोल्यूशनरीज थे ओके okay? थोड़े क्या ज़्यादा ही रेवोल्यूशनरीज थे ओके अब ये काफ़ी मतलब रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पे ये चलते थे तो ये जो बैरिन घोष थे ना बेसिकली बैरिन घोष की एक राइटिंग थी ये लिखते थे कि जो फोर्स जो है ना फोर्स कैन बी स्टॉप्ड विद फोर्स ओनली ये कहते थे कि भाई फोर्स को फोर्स से ही रोका जा सकता है तो ये काफ़ी एग्रेसिव काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे इनके ठीक है वॉयलेंस आप कह सकते हो कि जैसे मतलब बॉम्ब बनाना इन मतलब उसके बाद लेटर ऑन सी की इन्होंने रॉबरीज वगैरह स्टार्ट करती जिससे ये पैसे इकट्ठे करके ये क्या करते थे गन्स रिवॉल्वर्स ये गन्स वगैरह आर्म्स आप कह सकते हो आर्म्स एम्यूनिशन इकट्ठे काफ़ी इन्होंने किए रॉबरीज वगैरह करके ठीक है ब्रिटिशर्स की रॉबरीज करके ठीक है और कहते थे कि भाई जब बाद में हमारी ये कहते थे बैरिन घोष के जब बाद में हमारी जब सरकार बनेगी तो उसमें से एक ये ये, ये जो हम रॉबरी कर रहे हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन वो ये कहते थे ये जो रॉबरी है इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन और ये लोन हम वापस आपको चुका देंगे जब हमारी सरकार बनेगी जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी ठीक है ओके okay. नाव अब हुआ क्या जैसे कि एक हेमचंद्र कनंगू थे हेमचंद्र कनंगू जो थे ना इन्होंने पेरिस में जाके ट्रेनिंग ली थी और वहाँ पे जाके इन्होंने पर्टिकुलरली बॉम्ब बनाना सीखा था ठीक है ओके उसके बाद जब ये हेमचंद्र कनंगू जब वापस आते हैं ठीक है तो इन्हों उसके बाद ये क्या करते हैं कि इन्होंने क्या किया था एक जगह है जिसका नाम है जिसका नाम है मनिक तोला ठीक है मनिक तोला वहाँ पे मनिक तोला गार्डन हाउस था कैलकटा में तो मनिक तोला गार्डन हाउस इन कैलकटा में ये हेमचंद्र कनंगू और कुछ और सपोर्टर्स ने वहाँ पे क्या किया था बॉम्ब जो है वो बनाया था ठीक है बॉम्ब्स बनाए थे और फिर ये जो बॉम्ब्स हैं इनको अलग अलग जगह पे मतलब ये जो ब्रिटिश जो ऑफिशल्स थे उनके मर्डर उनके मर्डर्स प्लान किए गए थे इन बॉम्ब्स के साथ ठीक है ओके चलिए उसके बाद मैं देख बताती हूँ आपको जैसे खुदीराम बोस हैं प्रफुल्ल चाकी हैं ठीक है इनके इन्होंने जो है सपोर्ट किया मतलब इन्होंने जो है आ, आप कह सकते हो कि ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाया या फिर ये जो आ, मतलब बॉम्ब केस जो है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का जो बॉम्ब केस था दैट वॉज इनिशिएटेड ओके ऑल अभी ये जो है ये आप पिक्चर देख सकते हैं ये खुदीराम बोस जी हैं ठीक है थीके? एंड ही इज प्रफुल्ल चाकी हीज प्रफुल्ल चाकी इज खुदीराम बोस एंड ही इज जतेंद्र नाथ मुखर्जी बागा जतिन ओके एंड ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस ऑल राइट नेक्स्ट वी हैव अलीपुरा बॉम्ब केस कॉन्स्पेरेसी ठीक है कॉन्स्पेरेसी केस ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एट अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पेरेसी केस जो नाइनटीन हंड्रेड एट में इसमें क्या था देखिए मैंने आपको बताया कि मानिक तोला इसको मानिक तोला बॉम्ब कॉन्स्पेरेसी केस भी कहते हैं ओके अब क्यों कहते हैं इसको मैं आपको बताती हूँ अभी ओके okay. ठीक है मैंने आपको कहा कनंगो जो है रे, रे, रेवोल्यूशनरीज थे जो पेरिस में जाके जिन्होंने बॉम्ब स्पेशली बनाने की ट्रेनिंग ली थी ठीक है और मनिकटोला जो कैलकटा में जगह है यहाँ पे मनिकटोला में इन्होंने एक घर में एक आ, गार्डन हाउस में इन्होंने क्या किया बॉम्ब जो है प्रिपेयर किया ओके आफ्टर दैट ये डोंगलस किंग्स फोर्ट थे डोंगलस किंग्स फोर्ट जो है ये ब्रिटिश चीफ मजिस्ट्रेट थे ठीक है और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको ये काम मिला कि आपने क्या करना है उन उन्होंने मतलब उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि किंग्स फोर्ड जो है उनके ऊपर ये बम जो है चलाना है ठीक है अब जब ये किंग्स जो है आ, जब ये ट्रैवल कर रहा था ये अपने कैरेज के थ्रू जब ये ट्रैवल कर रहा था तो उस पर ये जो बॉम्ब जो है गिराया गया बाय खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी जी लेकिन इसमें क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली इनसेंट इंग्लिश लेडीज थी मतलब दो लेडीज़ थी ठीक है इनकी डेथ हो गई इसमें लेकिन ये जो किंग्स है ये बच गया किंग्स की डेथ नहीं हुई ठीक है किंग्स जो है ये बहुत ही आ, मतलब इंडियंस के अलिए आप कह सकते हो एक बहुत ही वर्स्ट चीफ मजिस्ट्रेट था इसने काफ़ी मतलब अनपॉपुलर आप कह सकते हो काफ़ी इंसिडेंसेस किए हुए हैं ओके तो अब हुआ क्या कि दो इंग्लिश लेडीज जो हैं ये इसमें इनकी दो इंग्लिश लेडीज की डेथ हो गई लेकिन किंग्स किंग्स फोर्ट जो था वो अनफॉर्चुनेटली वो बच गया था ठीक है तो अब इस केस को के के क्या हुआ कि फिर ये जो प्रफुल्ल चाकी था ना ये इसी मतलब उसमें कि जो मैंने दो इनोसेंट लेडीज़ का ही डिन वॉन्ट टू की दो इंग्लिश लेडीज हैं ऑल दो देवर इंग्लिश बट देवर इनोसेंट ठीक है तो इनकी जान चली गई थी तो इस चीज इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए प्रफुल्ल चाकी तो प्रफुल्ल चाकी ने जो है सुसाइड कमिट कर लिया था ओके okay? और खुदीराम बोस जो हैं उनको पकड़ लिया गया था एट द एज ऑफ एटीन एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ठीक है और इनकी जो है इनको हैंग कर दिया गया था ओके एंड ही वॉज हैंग इन 1908 ठीक है 11 अगस्त 1908 को जो खुदीराम बोस हैं एट द एज ऑफ जस्ट 18 इयर्स ही वाज जस्ट 18 खुदीराम बोस जो केवल 18 इयर्स के थे जब इनको आ, मतलब इनकी उनको फांसी दे, दे दी गई थी 1908 में 11 अगस्त 1908 हंड्रेड एट में ओके ओके अब इसके साथ कुछ जो और जो रेवोल्यूशनरीज जो एसोसिएटेड थे इस केस के साथ वो थे अरविंदो घोष थे उनके ब्रदर बैरिन घोष थे ठीक है कनाईलाल दत्त थे इनको भी हैंग कर दिया गया था बाद में ठीक है सत्येंद्र बोस थे एंड देवर अदर रेवोल्यूशनरीज़ आल्सो ऑल्सो ठीक है तो अनुशीलन समिति के ही ये सारे मेंबर्स थे कैलकटा के ओके नेक्स्ट इज मोहन बागान एथलेटिक क्लब ठीक है बागान एथलेटिक क्लब जो है अगेन इट इज़ इन प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में है ठीक है कलकत्ता में था ये मोहन मोहन बागान एथलेटिक क्लब ओके तो ये जो क्लब है ये मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है बेसिकली एक फुटबॉल क्लब है ठीक है आज की डेट में भी है इट इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब और एशिया का भी ओल्डेस्ट इनफैक्ट वन ऑफ दी ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब ऑफ एशिया भी कहा जाता है इसको मो, मोहन बागान एथलेटिक क्लब आज के डेट में वेस्ट बंगाल में बे है ठीक है फुटबॉल का क्लब है ये ये मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है 1889 में बना था ठीक है और इस टाइम पे ये जो कैलकटा है ब्रिटिश कैपिटल थी ऑफ ऑफकॉर्स ठीक है ब्रिटिश की कैपिटल थी कैलकटा ओके okay. और ये जो जो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे और कुछ टीम्स जो हैं ये जो यहाँ के नेटिव बंगाली जो यूथ हैं वो भी खैर यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे कुछ टीम्स बनाई गई थी ओके आफ्टर दैट हुआ क्या देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई नाइनटीन में अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो इससे एंटी ब्रिटिश फीलिंग बहुत ज़्यादा थी लोगों में कैलकटा के बंगाल के लोगों में ऑफ कोर्स ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश फीलिंग बहुत ज्यादा थी इस टाइम पे ओके तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि इस फुटबॉल क्लब को जो बंगाली लोग थे उन्होंने मोर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए इस क्लब को इन्होंने कहा कि भाई ये क्लब जो है यह फुटबॉल क्लब नहीं है यहां से हम अपनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाएंगे ठीक है ऐसा कोई ओपन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट तो नहीं चल रही थी बट जो यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके दिलों में काफी था कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे कुछ करें ठीक है अब हुआ क्या कि एक टूर्नामेंट थी जिसका नाम था आई एफ ए शील्ड ठीक है एक टूर्नामेंट थी फुटबॉल की जिसका नाम था आई एफ ए शील्ड अब ये 1911 में ये जो आई एफ ए शील्ड जो है ना वैसे ये जो आई एफ ए शील्ड टूर्नामेंट है ये पर्टिकुलरली स्टार्ट हुई थी 1893 में ठीक है कब स्टार्ट हुई थी 1893 में मैंने आपको क्या कहा ये जो मोहन बगान एथलेटिक क्लब है ये स्टार्ट हुआ था 1899 में अगर आप मोहन बगान एथलेटिक क्लब कहीं पे मतलब नेट पे अगर आप सर्च करोगे अगर आप देखोगे तो इसकी जो स्टार्टिंग का जो बोर्ड है वहाँ पे लिखा हुआ है मोहन बगान एथलेटिक क्लब एस्टैब्लिश इन एटीन ठीक है तो यू सी देर ओके okay. तो अब ये लेकिन स्पेसिफिकली जो ये आई शील्ड है ना ये जो ट्रॉफी है ये एटीन में स्टार्ट हुई थी ठीक है ये जो आई एफ ए शील्ड जो जो ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी ये ऑब्वियसली कभी इंडियंस ने नहीं जीती थी ब्रिटिशर्स इसको जीतते थे इस ट्रॉफी को अब जो 1911 की जो ये ट्रॉफी ये जो आप कह सकते हो ये जो आ, मतलब ये जो हुआ जो टूर्नामेंट हुई कब हुई 1911 की जो टूर्नामेंट हुई ठीक है उसमें इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया ठीक है इंडियन की भी टीम थी इंडियंस की टीम थी अब ये काफ़ी नाराज थे ऑब्वियसली एंटी पार्टीशन फीलिंग तो ऑलरेडी थी जो एंटी जो बंगाल पार्टीशन तो ऑलरेडी थी ही ठीक है तो यहाँ इस टूर्नामेंट में इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडियंस जो हैं उस टाइम पे जो मतलब बंगाली आई वुड से जो बंगाली प्लेयर्स हैं ठीक है वो नंगे पैर खेलते थे उस टाइम पे ऐसा ट्रेंड था कि वो नंगे पैर खेलते थे ठीक है ओके okay, क्योंकि फुटबॉल उनके लिए नया था ठीक है अब खैर अभी तक तो नाइनटीन हंड्रेड इलेवन तक आते आते तो उनको फुटबॉल आ, आ जाता था बट वो नंगे पैर वो uh, जो प्लेयर्स हैं वो वो खेलते थे यहाँ हमें लिखा भी हुआ बेर फूटेड बंगाली प्लेयर्स ठीक है इन्होंने क्या किया था ये ब्रिटिश uh, रेजिमेंट जो थी ब्रिटिश टीम थी उसका नाम था यॉर्कशायर रेजिमेंट ठीक है यॉर्कशायर रेजिमेंट टीम इनको हरा दिया था बाय दी मार्जिन ऑफ टू वन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ठीक है कहीं कहीं पे टू जीरो के भी मार्जिन से कहते हैं कि बंगालीज ने इनको हरा दिया था ब्रिटिशर्स को ठीक है इस टीम को आ, ब्रिटिश टीम को हरा दिया था और उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जो आ, आ, प्लेयर्स थे हम कह सकते हैं वैसे तो बड़े सारे प्लेयर्स थे जैसे विजय दास भादुरी थे एक शिवदास भादुरी थे ये विजय दास बहादुरी और शिवदास भादुरी दोनों ब्रदर्स थे ठीक है शिवदास भादुरी अभिलाष घोष देर आर मैनी मोर दिस प्लेयर्स ठीक है हु डिफीटेड द ब्रिटिश टीम बेसिकली ओके और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस टाइम पे ये जो गोरा पल्टन साहिब्स हैं उनको हराना मतलब गोरा पल्टन वुड से कि वाइट्स थे वो ठीक है उनको हराना काफ़ी इम्पॉसिबल था और ये जो विक्ट्री थी मतलब इनको मतलब ऐसा लगा कि ये जो विक्ट्री है ये ब्रिटिश ये सिर्फ फुटबॉल की विक्ट्री नहीं है मतलब ये एक सिर्फ एक टूर्नामेंट की विक्ट्री नहीं है बल्कि हम हमें एक टाइप की इंडिपेंडेंस मिल गई है ब्रिटिशर्स से हमने ब्रिटिशर्स को हरा दिया है तो ये एक बहुत बड़ी बात थी ठीक है इतनी बड़ी बात थी कि ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज़ वन ऑफ द रीज़न देखिए 1911 में ही क्या हुआ था कैलकटा से 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था हुआ था ना मैंने बताया हुआ है कि दिल्ली दरबार तीन दिल्ली दरबार हुए थे 1877 में 1903 में और 1911 में तो 1911 का दिल्ली दरबार लगा था जिसमें उसके बाद क्या हुआ था कि कैलकटा से शिफ्ट कर दी थी कैपिटल टू न्यू दिल्ली ब्रिटिशर्स ने ठीक है तो इट इज़ सेड कि ये मतलब वन ऑफ द रीज़न है कि कलकटा की जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी हार से इतना मतलब इतने इंसल्टेड उनको फील हुआ कि उन्होंने 1911 में कैलकाटा से न्यू दिल्ली uh, अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी थी इमीडिएटली ठीक है ऑल दो दिस वॉज नॉट दी ओनली रीजन देर वर मेनी मोर रीजन ऑल्सो फॉर शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम कलकटा टू न्यू डेली बट दे शिफ्टेड आफ्टर दिस मोहन बागान एथलेटिक क्लब ये जो में जो टूर्नामेंट हुई थी ठीक है ये uh, uh, जिसमें ब्रिटिशर्स तरीके से हार गए थे इंडियन से ठीक है दिस वॉज वन ऑफ दी इंसिडेंस ओके नाउ दिस वॉज अबाउट मोहनबगान एथलेटिक क्लब ओके नेक्स्ट वी हैव हावड़ा गैंग केस ठीक है हावड़ा गैंग केस में क्या हुआ इसको हावड़ा शिवपुरी कॉन्स्पेरेसी केस भी आ, आ, कहा जाता है ठीक है अब इसमें हुआ क्या था कि देर वॉज एन सीधी सी इतना याद रख लो कि एक इंस्पेक्टर ब्रिटिश इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था शामजुल आलम ये जो ब्रिटिश इंस्पेक्टर शामजुल आलम था ठीक है इसके ये ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ठीक है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ये जो अनुशीलन समिति है अभी हमने डिस्कस किया ना अनुशीलन समिति के बारे में तो जो अनुशीलन समिति के काफ़ी रेवोल्यूशनरीज़ को इस इंस्पेक्टर ने शामजुल आलम इंस्पेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा अनुशीलन समिति के मेंबर्स को अरेस्ट किया था इन ठीक है तो इसीलिए इसके इसका मर्डर जो है वो प्लान किया गया ये शामजुल आलम इंस्पेक्टर का जो मर्डर जो मर्डर है वो प्लान किया गया था अनुशीलन समिति के मेंबर्स के द्वारा क्योंकि ये काफी ज्यादा जो भी अनुशीलन समिति के रेवोल्यूशनरीज थे उनको पकड़ रहा था ये शामजुल आलम ठीक है तो और जो अलीपुर बॉम्ब केस में भी शामजुल आलम वॉज वेरी एक्टिव ठीक है तो इसीलिए ये जो मतलब ये जो शामजुल आलम इंस्पेक्टर है इसका मर्डर जो है वो प्लान किया गया था तो दिस तो वाज ये है हावड़ा गैंग गैंग केस ठीक है तो इस केस में क्या किया गया कि मो आ, मतलब इसमें क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ़ द एमिनेंट जुगांतर जो लीडर्स थे जैसे जतेंद्र नाथ मुखर्जी बागा जतिन ये सारे ही इसमें इसमें इन्वॉल्व थे ओके okay? तो ये जो है लेकिन जतेंद्र नाथ मुखर्जी नरेंद्र नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ठीक है इनको भी इनको भी इस केस के बाद एक साल की इम्प्रिजनमेंट हुई थी ठीक है तो इस, इसमें आप इतना याद रखिएगा कि मर्डर जो है इंस्पेक्टर शामजुल आलम जो ब्रिटिश इंस्पेक्टर था इसका मर्डर जो है ये प्लान किया गया था इन हावड़ा गैंग केस तो दिस क्यों किया गया था क्योंकि आ, जो ये शामजुल आलम जो इंस्पेक्टर है ही इन 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 दी दी केस एंड uh, बाकी रेवोल्यूशनरीज ऑफ जो अनुशीलन समिति के जो बाकी रेवोल्यूशनरीज थे उनको भी काफी अनकवर uh, किया था इसने ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव दिल्ली लाहौर कॉन्स्परे केस ठीक है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पेरे केस जो है इसको दिल्ली कॉन्स्पेरे केस भी कहा जाता है तो बेसिकली इसमें इसमें था क्या एक अटैम्प्ट था फॉर दसेसिनेशन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग ठीक है उस टाइम पे वॉइस रॉय था कौन था इंडिया का वॉयस रॉय उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग वॉज दॉस रॉय ओके ये जो डेली कॉन्स्पेरेसी केस है इसका मास्टर माइंड कहा जाता है रास बिहारी बोस को रास बिहारी बोस वॉज वन ऑफ दी आई एन ए जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका, उसके भी, उसको भी, उसकी फॉर्मेशन भी रास बिहारी बोस जी ने की हुई है ठीक है अलॉन्ग विद सचिन सान्याल अगेन अ रेवल्यूशनरी ठीक है इसमें हुआ क्या था डेली लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस में बेसिकली कि एक बॉम्ब जो है ना वो गिराना था किसके ऊपर Uh, वो गिराना था लॉर्ड uh, हार्डिंग के ऊपर हाँ लॉर्ड हार्डिंग का मर्डर जो है वो प्लान किया गया था ठीक है तो लॉर्ड हार्डिंग जो है वो एलिफेंट uh, कैरेज के ऊपर एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ था ठीक है एलिफेंट के ऊपर जो बैठा हुआ था वो तो वो जो बैठने की जो जगह होती है ना उसको कहा जाता है हौदा क्या कहा जाता है हौदा जो इसके ऊपर बैठते हैं ठीक है एलिफेंट के ऊपर आप कह सकते हो कि एक सीट बनाई हुई है एलिफेंट के ऊपर बैठने के लिए जिसको कहा जाता है हौदा ये जो एलिफेंट जो चलाता है जो एलिफेंट चलाता है उसको कहा जाता है बंदे को जो एलिफेंट चला रहा है उसको कहा जाता है माहुत तो माहुत जो था वो इंडियन था ठीक है अब इस पर बॉम्ब फेंका गया तो जो माहुत है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी इसमें ठीक है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और जो लॉर्ड हार्डिंग है उसको स्वेयर इंजरी हुई थी मरा नहीं था वो लॉर्ड हार्डिंग बट उसको स्वेयर इंजरी हुई थी इसमें ये डेली कॉन्स्पेरिसी के को कहा जाता है 1911 में ये हुआ था ठीक है ओके अब ये हुआ क्यों था आ, आ, ये आ, मतलब ये आ, जो है लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ये बॉम्ब जो है फेंका गया था अब ये हुआ कब देखिए मैंने अगेन आपको पह, अभी पहले भी बताया कि दिल्ली दरबार जो है वो तीन बार ऑर्गेनाइज़ हुआ था दिल्ली दरबार में ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ तीन बार डेली दरबार हुआ था एटीन में फिर नाइनटीन में फिर नाइनटीन में ठीक है 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था जिसमें जॉर्ज द फिफ्थ जो कि एंप, जो एम्पर हैं ठीक है ब्रिटेन के वो इंडिया आए थे खुद ओके और इन्होंने जॉर्ज दि फिफ्थ ने यहाँ पे आके एनलमेंट ऑफ जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उसको एनल कर दिया उन्नीस में ठीक है एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था नाइनटीन में ठीक है और फिर क्या किया था शिफ्ट की थी कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू डेली ठीक है ओके तो ये चीज हुई थी ठीक है ओके अब हुआ क्या कि जब ये जब ये शिफ्टिंग ऑफ आप कह सकते हो जब शिफ्टिंग ऑफ ये कैपिटल हो रही थी उस टाइम पे ही ये जो कॉन्स्पेरेसी है या जो आ, ये जो बम फेंकना था लॉर्ड हार्डिंग पे ये आ, प्लान किया गया था ठीक है नाउ इन में अब इसके बाद क्या हुआ क्या कि जब ये लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जब बम फेंका गया उसके बाद काफ़ी जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स हैं वो एक्टिव हो गए ठीक है काफी क्रैकडाउन किया उन्होंने इंडियन रेवोल्यूशनरीज पे ओके okay? बंगाल में सब जगह पे काफ़ी क्रैकडाउन जो है ब्रिटिशर्स का चला तो इसमें इस केस में, इस, इस में फिर इसके बाद हुआ क्या कि 1916 में जो राज बिहारी बोस हैं वो कहाँ चले गए ही वेंट टू जापान ठीक है वो जापान जो है चले गए इन नाइनटीन हंड्रेड जो है राज बिहारी बोस वहाँ पर चले गए राज बिहारी बोस जो है वो पहले एसोसिएट राज बिहारी बोस पहले एसोसिएट हुए गदर पार्टी के साथ उसके बाद फिर वो नाइनटीन में जापान चले गए थे ठीक है और उसके बाद फिर उन्होंने वहां पे जाके आई एन ए तो रास वेरी वोस वज एक्चुअली वेरी वेरी एक्टिव आप देख सकते हो कि इंडिया में भी उन्होंने यहाँ पे भी पहले बहुत काम किया ठीक है उसके बाद देन आ, ही फ्लेट टू जापान और उसके बाद वहां पे भी फिर ये इंडियन रेवोल्यूशन के लिए काम करते गए ठीक है उसके बाद देखिए इस केस में और भी काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो दिखते हैं और राजबहरी वाज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति ऑल्सो ठीक है तो ये भी अनुशीलन समिति के ही मेंबर्स थे जैसे कि एक थे बसंत कुमार बिस्वास ठीक है इनको कन्विक्ट कर दिया गया था इस केस में इनफैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया गया था अमीर चंद अवध बिहारी इन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया था इस बॉम्ब कॉन्स्पेरेसी केस में ऑब्वियसली वॉइस रॉय के uh, मतलब कारवां के ऊपर बम फेंका था कोई छोटी मोटी बात तो थी न्यूज टाइम पे ठीक है तो इन सबको ये सभी मार्टियर हो गए थे लाइक वी हैव बसंत कुमार विश्वास वी हैव आमिर चंद वी हैव अवध बिहारी ठीक है और राज बिहारी बोस जो थे ही वॉज केपेबल ऑफ फ्लिइंग टू जपैन इन नाइनटीन ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर देल बी वन मोर लेक्चर ऑन रेवल्यूशनरी मूवमेंट ठीक है बस एक और लेक्चर में ये रेवल्यूशनरी मूवमेंट जो है सारे खत्म हो जाएंगे ठीक है आप इनको अच्छे से देख लीजिए ये कौन से केस हैं इनके ईयर अच्छे से याद रखिए और कौन कौन से लोग जो है कौन कौन से रेवल्यूशनरीज जो है किस रेवल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं उन सबके नाम आपको पता होने चाहिए ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आई एल सी यू वेरी सून विद नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर ब बाय कीप स्टारिंग कीप रिवाइजिंग